नाउ हम बता रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. एम हैमल अब फ्रेंच की इंपॉर्टेंस बताता है. यहाँ पे वो तो फ्रेंच की बता रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे कि अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. उसने कहा कि नेटिव लैंग्वेज क्या है, आप बुक पे भी देख सकते हैं, ये लाइन कोट करने वाली भी है. When people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it's as if they had the key to their prison. मैंने जब तक हम गुलाम रहते हैं, अगर हम अपनी भाषा जानते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास उस जेल की चाबी है, उस सेल या उस जेल की चाबी आपके पास है जिसमें आप बंद हैं. इसका मतलब अपनी मातृभाषा हमें स्वतंत्र कराने में रोल अदा करती है. It's very important for us to learn our mother language. This will help us in times of need. आप इंग्लिश समझ रहे हैं तो हिंदी के थ्रू, मतलब ये भी क्या है, एक प्रकार से आपको एक चाबी मिली हुई है. हिंदी आपकी एक चाबी है जिससे कि आप ऐसी जेल का दरवाजा खोल रहे हैं जहां आप बंद थे और अब आप वहां से निकल रहे हैं. तो ठीक है, ये भी उसने बता दिया. कबूतरों के बारे में भी बता दिया क्या ताना मारा था. और अंत में धीरे धीरे पता लगता है कि एक घसीटने की आवाज आ रही है ऊपर वाले फ्लोर से. कुछ एम एनएल की बहन जो है अपने कपड़े पैक कर रहे थे, सामान वामान, क्योंकि उन्हें जाना था. अब ये स्कूल दूसरे देश वालों को हो चुका था, ये तो अब अपने यहाँ से चले जाएंगे, इनकी भाषा खत्म हो जाएगी, क्लासें खत्म हो जाएंगी, स्कूल भी खत्म हो जाएगा. अब वो देश जो यहाँ शासन करेगा वो अपने हिसाब से इसको चलाएगा. तो इस बीच में क्या होता है कि नीचे से ट्रम्पेट की आवाज आनी शुरू हो जाती है, ट्रम्पेटिंग. प्रशियन सोल्जर्स की फौज नीचे आ जाती है. आप समझ रहे होंगे क्या मतलब है फौज का, उनका कब्जा हो चुका है और वो उनको हटाने के लिए आएंगे, तुम यहां से अब निकलो, अब हमारा यहाँ कब्जा हो रहा है. बस एम हैमल ने क्या कहना था, उसके आंसू आने लगे, बोल नहीं पा रहा था, कुछ बोलना तो चाहता था लड़कों को, आए 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 दो बार उसने रिपीट किया लेकिन बोल नहीं पा रहा था. He felt choked. The words could not come out of his mouth. उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और आए आए बोल के यूं बोर्ड की तरफ मिला और मुड़ा, मतलब, और फिर कहा कि क्लास इज डिसमिस्ड. मैंने इशारा कर दिया, क्लास इज डिसमिस्ड, बस क्लास खत्म हो गई है. और बोर्ड की तरफ मुड़ा, कुछ बोल नहीं पाया और लिख दिया विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस अमर रहे, ये शब्द उसने लिख दिए, विव ला फ्रांस. और इस तरह से क्लास डिसमिस हो गई, सभी लोग चले गए अपने सिर को नीचे करते हुए. तो एंड बड़ा दुखद है इस लेसन का कि एक वॉर टाइम सिचुएशन जब आती हैं तो जो वहाँ के नेटिव लोग होते हैं जो हार जाते हैं उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से होके उनको गुजरना पड़ता है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ऑल्सो. ये शब्द मैंने जो यूज किया है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, हो सकता है इस पे कोई क्वेश्चन भी बोर्ड में आ जाए, ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कैसे है. तो इस लेसन को अब ये तो पूरा हो गया है, लेकिन इसको और शॉर्ट में समझने के लिए हम आपको इसकी सिनॉप्सिस बना के देते हैं थोड़ा सा. In order to understand this lesson very easily, I would like to make a small picture that will help you understand this. First of all, as in my lecture, I just made a sketch of the home of French. This is the home of French. Now he goes to school every day. The school is located here. The school is located at this point, so he has to cover this long distance. And in this way, what happens, he is going to his school very slowly. Yes, slow walk. He is going to school very slowly because he is not in a mood to go to school. No mood. Mood hai nahi uska school jaane ka. Kyon nahi hai mood? Because lack of knowledge. Lack of knowledge, K-N-O-W-L-E-D-G, knowledge, or fear of scolding,
मैंने टीचर की डांट से बचने के लिए, कुछ आता तो है नहीं, इसलिए वो चाहता था कि आज स्कूल स्किप किया जाए, स्कूल न जाए. बट एनी वे समथिंग लाइक हिज कंसाइंस टोल्ड हिम नॉट टू स्किप द क्लास एंड ही वेंट अहेड. वो आगे बढ़ता है क्योंकि अंदर से उसके आत्मा ने कहा बेटा ऐसा मत कर, स्कूल मत छोड़. जाता है, रेस फास्ट हो गया. रास्ते में बहुत सारे अट्रैक्शन थे. एक बुलेटिन बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड. एक्चुअली एवरी टाइम वेयर एवर देयर वाज एनी न्यूज़ फ्रॉम दिस बुलेटिन बोर्ड, इट वाज अ बैड न्यूज़. दिस टाइम राउंड आल्सो ही थॉट व्हाट बैड न्यूज़ कुड बी एट दैट टाइम, बट ही डिडंट स्टॉप बिकॉज़ ही थॉट ही हैड फाइनली टू रीच द स्कूल ऑन टाइम दो इट वाज लेट. तो बुलेटिन बोर्ड से वो सोच रहा था कौन सी बुरी खबर आएगी. चलो फिर भी स्कूल गया. वहाँ वॉचर नाम का एक ब्लैक स्मिथ था. देर वॉज ए ब्लैक स्मिथ नेम्ड वॉचर. ही जस्ट वॉन्टेड टू स्टॉप हिम बाई सेइंग दैट देर वॉज हार्डली एनी लेट, देर वॉज प्लेंटी ऑफ टाइम स्टिल एंड ही कुड गो टू स्कूल. उसने उसको कहा कि बेटा स्कूल जाने के लिए बहुत टाइम है, अभी आराम से जा, भाग क्यों रहा है. लेकिन इसने नहीं मानी, स्कूल चल दिया. अल्टीमेटली ही रीच्ड द गार्डन ऑफ द स्कूल. यहाँ पे गार्डन था, एन एनल का, यहाँ पे पहुंचा. इट वॉज ऑल पीसफुल. Unlike other days, he found it totally peaceful, and it was just a strange sensation at this point of time because the schools are usually a noisy place, noise of different types, like rapping of teachers' chair on benches, lessons repeated in unison, and many others. So, आज उसने देखा यहाँ शांति, फिर भी एकदम से अकेला था, लास्ट में जा रहा था, अंदर घुसता है. एंटर करता है तो एंटर करते ही क्या होता है, उसकी फियर जो है वो टॉप पे, फियर एट द टॉप, बहुत डरा हुआ है. लेकिन हिम्मत कर रही, डेयर टू एंटर कर गया क्लास में. और जब एंटर कर गया तो एकदम से चेंज आया, सडन चेंज. सडन चेंज क्या आया कि टीचर ने प्यार से कहा बेटा वी वर डूइंग विदाउट यू, कि बेटा आइए हम तुम्हारे बगैर ही लेसन चला रहे थे. कॉर्डियल वॉइस ऑफ टीचर, टीचर के अच्छे शब्दों ने इसका मूड बदल दिया, इसकी डर खत्म हो गई. गॉट अवर स्प्राइट. तो अब डर तो खत्म हो गई, अब इसने थोड़ा तसल्ली से पीछे मुड़कर देखा. वहां विलेजर्स बैठे हुए थे. द विलेजर्स वर सिटिंग देयर, दे वर वेरी ग्रेव, वेयरिंग ग्रेव एक्सप्रेशंस. उसको समझ में नहीं आया कि गांव वाले यहाँ क्यों बैठे हुए हैं. लेकिन बाद में समझ में आया जब पता लगा कि स्कूल खत्म हो गया. ये उनका सम्मान देने का तरीका था स्कूल अथॉरिटीज को, अपने देश के या अपने स्कूल के टीचरों को. तो ये भी हो गया, पढ़ाई लिखाई चलती रही. इसका टर्न आ गया व्हेन हिज नंबर केम. यू नो ही वाज आस्क्ड टू टेल समथिंग ऑन पार्टिसिपल्स एंड एनी अदर पॉइंट दैट वाज बीइंग टॉट. ही वाज रियली वेरी clear about what he told, except at one point he got mixed up. केवल एक point पे mix up हो गया था, बाकी इसने सब कुछ बता दिया था. आखिर ऐसा क्या कारण था? क्योंकि teacher ने पहले declare कर दिया था कि this is your last lesson, and the impact of these words was like a thunder clap on their minds, and so he was quick to understand each and everything. teacher भी ऐसे पढ़ा रहा था जैसे सारी जिंदगी भर का आज ही पढ़ा दे. तो यही आइडिया कि हमारे पास टाइम नहीं है, आज ही पढ़ना है, इसे वो सब कुछ सीख गया. और अल्टीमेटली कबूतरों पे भी उसने एक व्यंग कसा, और थोड़ी देर में प्रश्न हो जाती है, क्लास डिसमिस हो जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं. एम हेमल सर पीछे मुड़ के लिखते हैं बोर्ड पे, विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे. एंड हमको लैंग्वेज की भी इंपॉर्टेंस बताई गई. ये सारी चीजें बताने के बाद लेसन कम्स टू एन एंड. सो इज द स्टोरी. I hope you have got it. अब दूसरे पार्ट में हम बताएंगे आपको बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस, स्पॉट टेस्ट एंड अदर थिंग्स.